इस कमेटी की तरफ से ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको आमंत्रित किया था, आप सबका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में किसान नेता हमारे रंधावा साहब प्रभारी जी थे, तो फिर हमने समझा कि प्रभारी जी रहेंगे तो और ज़्यादा हमको ताकत मिलेगी, अच्छे तरीके से किसान की बात हम लोग कर पाएंगे आपके सामने। तो प्रभारी साहब ने आपके सामने अपनी बात रखी है, मैं उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये किसानों का आंदोलन क्यों और जायज़ कैसे और उनके साथ नाइंसाफी किस प्रकार से हो रही है, इन सब मुद्दों के ऊपर मैं 10-12 मिनट में अपनी बात रखूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 के जब मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था उनके घोषणा पत्र की बात करना चाहूंगा कि उन्होंने 2014 में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि किसानों की उनकी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। 10 साल बाद में वो नहीं कर पाए। फिर देश के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में ये कहा था कि 2022 तक हम लोग किसान की आमदनी को 2 गुना करेंगे, वो किसान की आमदनी आज तक 2 गुनी नहीं हुई। इसी दौरान उन्होंने बीच में 3 काले कानून लाए, 15 महीने तक संघर्ष किया, 3 काले कानून वापस माफ़ी मांगते हुए देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को के आगे झुक कर के माफ़ी मांगी और वापस 3 काले कानून लिए और एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में कहा कि यह कमेटी फैसला जल्दी करेगी कि किस प्रकार से आपकी मांगों को हम लोग माने और किस प्रकार से जो जो मुद्दे हैं किसानों के उनका हम इस कमेटी की राय के मुताबिक फैसले करें, जिसमें MSP भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि MSP पे कानून लाया जाए। और देश के प्रधानमंत्री जो 2011 में 2 मार्च 2011 को मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक कोर ग्रुप बना हुआ था जिसमें तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चेयरमैनशिप में एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी जिसमें भी MSP के लिए इन्होंने कानून की मांग की थी और अपना फैसला उस कमेटी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी थे उनसे मांग की थी। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि MSP के बारे में किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने पहले या BJP ने किसी ने बात नहीं की हो, सब अपनी बात करते आए हैं कि भाई हम MSP का कानून लाएंगे और किसान को MSP पे उसकी धान का मूल्य मिलना चाहिए, ये इस तरीके की बात थी। जो 15 महीने तक आंदोलन हुए उसमें 750 के लगभग किसान शहीद हो गए, उनके लिए भी जब समझौता इनका हुआ था तो उस वक्त ये हुआ था कि हम इनके ऊपर मुकदमे वापस लेंगे जो करीब 50,000 किसानों के विरुद्ध में थे। कुछ 1-2 सरकारों ने लिए लेकिन दूसरी केंद्र की सरकार ने न तो कोई पहल की और आज तो सब जगह तकरीबन उत्तर प्रदेश में तो दूसरी बार भी इन्हीं की सरकार है, फिर भी आज की तारीख तक किसानों के साथ में न्याय नहीं हुआ और 50,000 के लगभग किसानों के जो मुकदमे थे उनमें से बहुत मुकदमे अभी तक भी लंबित चल रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की ऋण माफ़ी की भी बात भी थी जिसमें 72,000 करोड़ रुपए के किसान के कर्जे माफ मनमोहन सिंह जी के समय हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करती हैं और हमने भी 16,000 करोड़ रुपए यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के माफ़ किए। जब केंद्र की सरकार ने जब मनमोहन सिंह जी थे तब कर दिए और राजस्थान की सरकार ने कर दिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं कर रही हैं, ये सवाल हर व्यक्ति के जहन में है कि ये इसका मतलब ये करना नहीं चाहते, ये प्रमाणित हो चुका है। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो वादा खिलाफी के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं
ये इसलिए कर रहे हैं वादा खिलाफी के खिलाफ कि इन्होंने बाकायदा लिखित में समझौता किया था, समझौते की डेट भी मैं बता दूंगा, इन्होंने किसानों से लिखित में समझौता किया था कि हम एक कमेटी बना करके आपके जो MSP सहित इश्यू हैं उनको हम हल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि शायद वो कमेटी जो है उसका डेट नहीं है सर, मीटिंगें हुई हैं और कमेटी ने रिपोर्ट भी जो सुनने में आया दे दी, लेकिन उसमें MSP का जिक्र भी नहीं है और बाकी उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को वापिस आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है, जैसे आतंकवादियों के खिलाफ भी नहीं की जा सकती और जो पाकिस्तान है जहाँ से आतंकवाद आता है उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी किसानों के साथ में हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब पहले जो शहीद हो गए उनका मुआवजा नहीं, जो वायदा इन्होंने लिखित में देश के प्रधानमंत्री जी के, कृषि मंत्री ने और सरकार ने, भारत सरकार के अधिकारियों ने किया उस पर काम नहीं, MSP के बारे में अब तक 10 साल में मोदी जी ने कहीं किसी तरीके का कोई एक्शन इन्होंने दिखाया नहीं, ये भी बात हम सब के सामने है। और अब तो हद हो गई, जब वो पूछ रहे हैं कि उस कमेटी का क्या हुआ, तो देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आनन फानन में कानून नहीं बन सकता, MSP का कानून के लिए बहुत समय चाहिए, ये बहुत जटिल बात है। तो हम लोग पूछना चाह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए कि फिर किसान के हक का MSP का कानून बनाना बहुत जटिल है और बहुत समय लगता है, तो आपने ये 3 काले कानून जो किसानों पर थोपे थे वो किसके हित के लिए बनाए थे, ये अब पूरी तरीके से स्पष्ट होने लग गया है कि ये केवल अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए उन्होंने उनके फायदे के लिए बनाए थे, न कि किसान के फायदे के लिए। आज फिर किसान जब अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, अपनी बात रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है, तो उसको दबाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आप बताइए कि इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, क्या किसी को अपना आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का, शांतिपूर्वक अपनी आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तो ये अधिकार भी किसानों से छीना जा रहा है कि आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। अब उनके ऊपर पहले भी झूठे आरोप लगाए थे, आतंकवादी हैं, अफगानिस्तानी हैं, पता नहीं कितने कितने चोर और डाकू, पता नहीं क्या क्या बता दिया था। आज फिर उसी शैली में जवाब दिया जा रहा है उनको, उसी तरीके से बदमाश, लुटेरे, शराब लेके आ गए, ये करके आ गए, वो करके आ गए, इस तरीके से किसान को बदनाम करने की उनकी चेष्टा बराबर चल रही है। मैं समझता हूँ कि इसका हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कल बंद का आह्वान किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला किया है कि हम इसके बंद का समर्थन करेंगे, कोई हिंसा नहीं हो, किसी राजकीय संपत्ति का नुकसान नहीं हो, ये सब सुनिश्चित करते हुए हम सब लोग भी उनके साथ में, किसानों के आंदोलन के साथ में रहेंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि हम, हमारी सरकार आते ही हम लोग किसान के लिए MSP लागू करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, किसानों ने स्वागत किया है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी किसानों के 72,000 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं और मैं समझता हूँ कि अब भी हमने जो कहा है वो करके हम लोग दिखाएंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार से ये जो चल रहा है ये सब बहुत ही देश के लिए घातक है, देश के लोगों के लिए, प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। किसी को बोलने का अधिकार नहीं, किसी को आंदोलन करने का अधिकार नहीं। मैं समझता हूँ कि आज इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट का आया है, हालांकि ये इसका विषय नहीं था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का,
लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें देश के लोगों की, प्रजातंत्र की जीत हुई है, आम व्यक्ति की जीत हुई है, और ऐसे लोग जिन्होंने साजिश रच करके और पर्दे के पीछे बड़ा खेला किया, बड़े घोटाले किए, उनकी पोल खुली है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है उनका, जो 2017 में इन्होंने किया था, उनको पूरी तरीके से असंवैधानिक बताते हुए उनको ख़त्म किया है, उस कानून को ख़त्म किया है इन्होंने, और उनके फैसले को समाप्त किया और रिपोर्ट मांग ली है कि आप बताइए कि SBI किस किस तरीके से किस किस का कितना चंदा मिला, और वो सारी चीज़ें सार्वजनिक की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाप का घड़ा अब भर चुका है, ये फूटने की ओर है, क्योंकि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसके माध्यम से हर वर्ग को, हर पूंजीपति को दबाया जा करके, कुचला जा करके, अप्रत्यक्ष रूप से उनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से चंदे लिए जा रहे हैं और अपने पार्टी का जो है फंड भरा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस फैसले का भी हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और हमें शंका है कि अब भी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कहने से अब भी ऐसा कोई न कोई उसमें रास्ता ढूंढेगी जिससे उनको वो सूचना नहीं देनी पड़े और कोई न कोई ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, ये हमें शंका बनी हुई है, जिसके माध्यम से ये कह दें कि नहीं साहब, हम ये सूचना भारतीय जनता पार्टी से नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है, ये शंका पूरे देश में लोगों में, बुद्धिजीवी वर्ग में बनी हुई है, तो उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे अगर इस तरीके से होता है। लेकिन इस कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके साथ हम किसानों के साथ में खड़े हैं, उनका जो अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन करना, जो उनका मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करें, और जिस प्रकार से ये गोलियां चला करके और ड्रोनों से हमले कर करके किसान को बदनाम करके ये कुचलना चाहते हैं उनका आंदोलन का, ये कतई नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किसान के शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ में खड़ी है। हम सब लोग आप सबका भी स्वागत करते हैं कि आप इतनी संख्या में आए हैं, आपका स्वागत है। और राजस्थान की सरकार के बारे में अगर मैं पर्ची सरकार के बारे में नहीं बोलूँगा तो कहेंगे साहब यहाँ पर आए ही नहीं, आप दिल्ली और देश में घूमते रहे, तो मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। इन्होंने जो राजस्थान में पर्ची से बनी हुई सरकार है BJP की, उन्होंने पहले ही दिन कृषि मंत्री ने कह दिया कि किसान का कर्जा माफ करने का सवाल ही नहीं उठता, किसान को कर्ज देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसान की आदत खराब हो गई है कि वो लोन ले लेता और फिर जानबूझ के चुकाता नहीं है, इसलिए किसान को लोन ही नहीं मिलना चाहिए और किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार का एक तरीके से स्टेटमेंट आ गया है, तो उनकी सोच हमारे सामने सबके आ चुकी है। एक, उन्होंने बार बार हम पे हमले किए थे कि 19,000 लोगों की जमीनें कुड़क हो गई हैं, जो नेशनलाइज बैंकों के जो जो भी ऋण था वो नहीं चुका पाए, उनके कितने हुए कितने नहीं हुए, लेकिन इनका अंतरिम बजट भी आ गया है, और उसके बावजूद आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने अगर अपने अंतरिम बजट में 1 रुपया भी उनके मुआवजे का कोई प्रावधान रखा हो तो बता दीजिए। केवल बात करना, गुमराह करना, मुद्दों से ध्यान अटकाना, यही केवल बातें इनके उसमें एजेंडे में है, न कि काम की बात। मन की बात देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, और झूठ बोलना, झूठ को एक झूठ को 100 बार बोलना जिससे वो सब जैसी लगे, ये इस तरीके की आदत बन चुकी है। आज 2 महीने से भी ज़्यादा हमारी सरकार को बने हो गए हैं, किसान के लिए कुछ भी नहीं। एक तरफ मोदी जी 12,000 का किसान सम्मान निधि की बात करते हैं और ये 8,000 की घोषणा करते हैं। भाई ये तो हम ही दे रहे थे, हमारी सरकार ही दे रही थी, जो हमने घोषणा की है उससे आप कम दे रहे हो, तो आप कांग्रेस की सरकार को किस दृष्टि से गलत बता रहे हो। बहुत बड़े जोर जोर से इन्होंने मुद्दा उठाया था कि किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। हमने उनका सरकार के समय घोषणा जो की थी उसका भी 6,000 करोड़ रुपये हमने चुकाया है, और बाकी 10,000 करोड़ रुपये हमने, 16,000 करोड़ रुपये हमने किसान के कर्जे के माफ़ करके पैसा चुकाया है। इन्होंने इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं रखा है।
इनके केंद्र बिंदु में न किसान है, न किसान का कल्याण है, न उसकी मजबूती है, न उसकी आमदनी दुगुनी करने का कोई एजेंडा है। इनको तो केवल झूठ बोल करके, बरगला करके और वोटों की फसल काटनी है। फिर ये लोकसभा में मोदी जी और केंद्र के नेता आएंगे, फिर बरगलाने की बातें करेंगे और बरगला करके वोट लेने की चेष्टा करेंगे। लेकिन राजस्थान के लोग समझ चुके हैं, राजस्थान का हर वर्ग समझ चुका है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हमेशा किसान के हित की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करने की बातें करती है, वो कभी किसान की नहीं होती है। तो ये जो बात थी वो आपसे शेयर करने के लिए मैं आया, और मेरे प्रभारी जी आए, तो हम सब लोग आपका स्वागत भी करते हैं, और अपनी कोई बात हो तो आप बताएं जिससे हम लोग। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जब केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेटों में सरकार हो, ये मुद्दों से ध्यान हटकाने की बातें करते हैं। ये इनके एजेंडे में फिक्स है कि किसान आंदोलन कर रहा है, किसान पे गोलियां चल रही हैं, किसान अपनी जायज मांग के लिए अपने प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है, उसको ध्यान को हटाओ और इस तरीके के विवाद उत्पन्न करके उसी मुद्दे के ऊपर ले जाओ। इसलिए मैं इन मुद्दों पे नहीं जाने वाला हूँ, मैं किसान की बात करने आया हूँ तो मैं सीधा किसान की बात करूँगा। किसान के साथ में अन्याय हो रहा है, उसकी उनके पास में क्या सवाल है वो बताएं। ये काम करने के लिए समय दिया इनको, ये काम नहीं करेंगे। ये इसी तरीके से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कोई ना कोई चाल चलेंगे, ये मुद्दे के ऊपर आएंगे। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये 19,000 जिनकी कुड़की हुई उनके लिए मुद्दा बनाया था, उसके लिए क्या कर रहे हैं? इन्होंने हम पे मुद्दा बनाया था किसान का कर्ज माफ नहीं किया तो 16,000 करोड़ हमने तो कर दिया। क्या नेशनलाइज बैंकों का डबल इंजन की सरकार किसान का कर्जा माफ करेगी? ये सवाल है जो दुनिया के लिए, देश के लिए और किसान के लिए और हर वर्ग के लिए हैं। उन पे बात नहीं करेंगे, ये इस तरीके की बात करेंगे। कौन क्या ड्रेस पहनेगा, कौन नमस्कार करेगा, कौन जो है वो दूसरी बात करेगा, इन मुद्दों के ऊपर बात करेगा। लेकिन आज मदन दिलावर ने ये भी बोला है कि हम गंभीर आरोप वाले टीचर के घर बुलडोजर चलाएंगे। वो क्या बोलते हैं भाई साहब, देखे जाओ और रिकॉर्ड करे जाओ, उनकी गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा उजूल बुजूल बयानबाजी के लिए। तो मैं तो उनके ऐसी किसी बात का जवाब नहीं देता जो कोई तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। उन बातों का ऐसे कोई किसी के बुलडोजर नहीं चला सकता, कानून है और कानून के मुताबिक ही कोई काम हो सकता है। मैं समझता हूँ कि उनकी आदत में शुमार है कि कुछ न कुछ उजूल बुजूल बयान दे दो जिससे वो मीडिया में छाए रहें। तो मैं तो ऐसे व्यक्ति की ऐसी किसी बात का जवाब नहीं देता जिसका कोई जनता से या जनता की भलाई से कोई संबंध नहीं हो, छात्रों से कोई संबंध नहीं हो, पढ़ाई से कोई संबंध नहीं हो, प्रोग्रेस से कोई संबंध नहीं हो। इनको मना कौन कर रहा है? कानून के तहत कोई भी आदमी गड़बड़ कर रहा है, वो चाहे वो किसी भी विभाग में कर रहा है, उसके खिलाफ कोई करने के लिए कौन कह रहा है? ये बात नहीं करेंगे कि जो पेपर लीक आपने मुद्दा बनाया उस पेपर लीक पे केंद्र सरकार से कड़ा कानून हमारे राजस्थान की सरकार का है, क्या इसको आप लागू रखोगे या केंद्र सरकार का कानून लाओगे, या जो जहां जहां पेपर लीक हुए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे क्या नहीं करोगे, उन पे बात नहीं करेंगे। ये ड्रेस पे बात कर देंगे और किसी पे सिलेबस पे बात कर देंगे और किसी पे बात कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, इनमें जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आज किसानों के खिलाफ लाठी गोलियां चलाई जा रही, कटीले तार बिछाए जा रहे हैं, उनको अपना शांतिपूर्वक अपना हक लेने के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा, ये उनकी सोच को, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है इस तरीके का बयान। आज किसान नहीं है और वो अपराधी डाकू लुटेरे हैं तो फिर करो ना मुकदमा। और फिर प्रधानमंत्री जी ने माफी क्यों मांगी थी? देश के सामने किसानों से माफी मांगते हुए कमेटी क्यों बैठाई थी अगर वो किसान नहीं थे तो? और आज किसान नहीं है तो आप 3 दौर की वार्ता क्यों कर चुके उनसे?
क्या आतंकवादियों से आप बात कर रहे हो? आज शाम को भी उनकी वार्ता का हमने सुना है, तो फिर किसान नहीं है तो वार्ता किससे कर रहे हो आप? ये घटिया सोच को प्रदर्शित करता है भारतीय जनता पार्टी की। मैं कह रहा हूँ भाई, किसान के हम सब साथ हैं और कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है कि हम किसान के बंद में शामिल हैं, तो शामिल हैं तो सहयोग भी करेंगे, इसमें कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। तो एक लाइन का मुद्दा था जो एक लाइन में मैंने बताया। जो राजीव गांधी युवा मित्रों को नौकरी से निकाला था, उनमें से आंदोलन करते हुए एक जो व्यक्ति है वो उसकी मौत हो गई थी, तो हम आज सभी लोग, टीकाराम जूली जी, मैं, प्रभारी जी और अशोक गहलोत जी, हम सब लोग वहां पर जाएंगे और संवेदना प्रकट करेंगे। हाँ जी।